कर्मों का परिणाम हमें निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही परिणाम भी प्राप्त होता है। आधुनिकता के चरम पर जाने की इच्छा में इस सत्य को न भूलना महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमारे मानव जीवन में हमारे आचरण के अनुसार ही परिणाम मिलते हैं जिन्हें हमें इस जीवन में अनुभव करना होता है, लेकिन हम इस सत्य को समय समय पर समझने में असमर्थ रहते हैं। जब तक हमें यह अवगत होता है कि हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा, तब तक कई साल बीत जाते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें प्रेरित करता है और हमें उत्साहित करता है। भारत में अनेक महापुरुषों ने कर्म के विषय में गहरा अध्ययन किया है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में भी कर्म फल के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के आधार पर कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है क्रियमाण कर्म, जिसमें नित्य प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म शामिल है। इसमें सुबह उठने से लेकर दिन भर के क्रियाकलापों तक के कर्म शामिल होते हैं और इन्हें क्रियमाण कर्म कहा जाता है। इन कर्मों के माध्यम से ही मानव जीवन गतिमान रहता है, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं तो कर्म करने में समर्थ नहीं होती, इसलिए यह कर्म सभी का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार इन कर्मों को कर सकता है। इन कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवन में सुख शांति का आभास होता है, क्योंकि ये कर्म आत्मा की गतिशीलता को प्रकट करते हैं। इन कर्मों का फल साथ साथ ही प्राप्त होता है, जैसे कि भोजन करने से भूख शांत होती है और स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। इन कर्मों को करने के लिए अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणार्थ, दिन भर की थकान के बाद आती नींद के बावजूद भी आदमी को उठना होता है और कार्य करना होता है। अगर आलस्य को अपनाया जाए तो उसके जीवन की गति पर असर होता है और परिणाम स्वरूप उसे दुख भोगने होंगे। इस प्रकार के कर्म को क्रियमाण कर्म कहते हैं। दूसरा प्रकार है संचित कर्म। हम जानते हैं कि हम कर्म करते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं जानते कि ये किए गए कर्म हमारे जीवन में कैसे परिणाम देंगे। हम ऐसे कर्म करते हैं जो हमारी दृष्टि से ठीक लगते हैं, परंतु प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य, समाज और अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम अक्सर यह मानते हैं कि हमारे किए गए कर्मों का परिणाम हमें अवश्य पूर्ण सुख देगा, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं होता और हमें अपने कार्यों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कर्म हमारी चित्त की अंतर्दृष्टि में एकत्र होते हैं और उनका परिणाम भी सामान्यतया उसी रूप में होता है। हमें इन कर्मों के परिणाम को प्राप्त नहीं होने तक प्रतीति नहीं होती है, इसलिए ये कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार के कर्म का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है, क्योंकि ये हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के संग्रहण के रूप में आते हैं। ये कर्म हमारे अवश्य पूर्णता और उच्चतम स्तर की उन्नति की दिशा में प्रभावित होते हैं और हमें जीवन की अधिकांश परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। संचित कर्म हमारे आचरण के एक रूप में उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग में लाते हैं। ये कर्म हमारे अंतर्मन की गहराइयों में समाहित रहते हैं और जब उनके परिणाम प्रकट होते हैं तो हमें उनसे सीख और समझने का अवसर मिलता है। इस प्रकार से संचित कर्म हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें अपने कर्मों के परिणाम को समझने में मदद करते हैं। यह हमारे आध्यात्मिक विकास और सामाजिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तभी इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्म को हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इस प्रकार के कर्म हमारी आंतरिक दृष्टि में बहुत लंबे समय तक एकत्रित रहते हैं और उनका परिणाम भी समय के साथ हमें मिलता है। प्रारब्ध कर्म हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का संग्रहण करते हैं। हम जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, जिनमें से कुछ कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर उनके परिणाम के रूप में अनंत काल के लिए रहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिशा देते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने में मदद करते हैं। इन प्रारब्ध कर्मों का सामना अनुभव के साथ होता है, जैसे कि हमारे जीवन की दिशा कैसे बदल जाती है और कैसे हमारे कर्मों के परिणाम हमें अनुभवों के माध्यम से प्रकट होते हैं।
ये कर्म लंबे समय तक हमारे आंतरिक चित्त में समाहित रहते हैं और उनके परिणाम भी समय समय पर हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। प्रारब्ध कर्म हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के मिश्रण का परिणाम होते हैं। इन कर्मों का समूह बहुत व्यापक होता है और हमें उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह कर्म हमें सीखने का अवसर प्रदान करते हैं और हमारे आगामी जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण बोधना प्रदान करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कर्म फल के सिद्धांत और कर्मों के प्रकार के बारे में थोड़ी जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद् गीता में कहा है कि कर्म करना हमारा ही कर्तव्य होता है, लेकिन हमें कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इन कर्मों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे। धन्यवाद।